नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में और मैं हूं आपका अपना दोस्त राज राठौर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी खुद की लिखी हुई अनपब्लिश नॉवल इश्क का रूहानी सफ़र के भाग एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड 7 में अब तक आपने सुना है, देव जब समीर को सारी बात बताता है तो समीर हंसते हुए कहता है कि देव को उस लड़की से प्यार हो गया है। देव की कसौली यात्रा का वो अंतिम दिन होता है। अगली सुबह उनको मनाली जाना था, इसलिए वो सब कुछ भूलकर मनाली जाने की तैयारी करता है। अब आगे हिमाचल यानी हिम का जल और हिमाचल का मनाली, जितना खूबसूरत ये नाम है उसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यह बर्फ़ की वादियों में लिपटा शहर है। बर्फ़ के बीच रहना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। सुबह सुबह धीमी धीमी बर्फ़ की बौछार और अपने घर से कांच की खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की लेना भला किसे पसंद नहीं। मनाली मेरा पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ के रीति रिवाज, वाह क्या कहने। बस से उतरते ही यहाँ की फिजाओं में रची बसी मोहक खुशबू, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, ठीक ऐसी ही खुशबू ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। नेपाली टोपी पहने एक गाइड जो हमारा पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने हमारा स्वागत किया और कैंप में आराम करने को कहा। उसी शाम उनके कुछ और टूरिस्ट आने वाले थे, जिनके साथ हम शाम को मनाली की कुछ जगहों पर घूमने जाने वाले थे। तब तक मैं और समीर पास में ही लगे चाय की छोटी सी स्टॉल पर गए, जहाँ सिक्किमी महिला चाय बना रही थी। लाल सिक्किमी परिधान वहाँ के लोगों की एक पहचान है, जो उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। मिट्टी से बने सिक्कोरों में वो चाय लेकर आई। मैंने जिज्ञासा वंश पूछ लिया, आप डिस्पोजल क्यों नहीं इस्तेमाल करती? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, बाबूजी डिस्पोजल से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और प्लास्टिक को बढ़ावा मिलता है वो अलग, हमारे खूबसूरत हिमाचल को साफ सुथरा रखना हमारी तो जिम्मेदारी है। ये सुनना मेरे लिए एक सुखद अनुभव था, पर आगे जो अनुभव होने थे वो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है।